प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीजस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, अभी अभी खबर आ रहा है कि पोप फ्रांसिस का तबीयत खराब हो गया है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में जाते हैं तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें जल्दी ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कई लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपील किया है कि सभी लोग पोप फ्रांसिस के लिए दुआ करें। जो फ्रांसिस है वो इस समय 86 साल के हो चुके हैं और वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में चौथे स्थान पर है। पोप फ्रांसिस का जो कार्यक्रम है वो दिन में काफ़ी व्यस्त रहता है जिसके कारण से कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अभी जो उनकी तबीयत खराब हुई है वो ज़्यादा ही खराब हुई है और उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी अभी फिर एक रिपोर्ट आई है कि पोप फ्रांसिस की जो स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा है और भी बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोगों ने भी पोप फ्रांसिस के लिए दुआ करी है कि पोप फ्रांसिस जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक, अस्पताल में हुए भर्ती। बाइडेन ने कहा सभी लोग दुआ करें। ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में वेटिकन ने बताया कि हाल के दिनों में सांस लेने में दिक्कत हुई थी जिसे देखते हुए बिना समय गवाए हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनका इलाज हो सके। फिलहाल वह कई दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे। वेटिकन सिटी के प्रवक्ता मोटेओ डूनी ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस जुलाई 2021 में जेमेली अस्पताल में 10 दिनों के लिए भर्ती हुए थे। फ्रांसिस का समय काफ़ी व्यस्त होता है, उन्हें हर रोज कई कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। 28 मार्च 2023 को पोप फ्रांसिस सेंट पीटर्स क्वेयर पर आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान काफ़ी वो स्वस्थ दिख रहे थे लेकिन अपनी गाड़ी में बैठते टाइम उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। इस खबर के बाद अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बिडेन ने पोप फ्रांसिस के बेहतर स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। खाली खबर के मुताबिक ये सामने आया है कि पोप फ्रांसिस अगले साल भारत आने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि अगले साल भारत की यात्रा होगी, ये पोप फ्रांसिस का कहना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये खबर लगी तो उन्होंने भी ट्वीट करके पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना किया है और कहा है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उन्होंने ट्वीट इस प्रकार से किया है, पोप फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उसके पोप फ्रांसिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि मैं इन घंटों में प्राप्त हुए कई संदेशों से प्रभावित हूँ और मैं निकटता और प्रार्थना के लिए, कृपया करके आप लोग भी पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।